राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले किरोड़ीलाल मीणा मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब, बीजेपी ने 5 साल बाद फिर से सत्ता वापसी की है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने काफी संघर्ष किया। मैंने पूरी पार्टी ने किया, यहाँ से आपको पता है पेपर लीक में, यहाँ युवा मोर्चा के हजारों बच्चे गए थे सिविल लाइन पर, जिन पर आंसू गैस फेंकी गई, लाठीचार्ज फेंका गया, पूरी पार्टी ने मिलकर जो जनहित के मुद्दे थे उनको उठाया था। इसके कारण सरकार की छुट्टी हुई है, पेपर सारे लीक कर दिए, भ्रष्टाचार फैला दिया, तुष्टिकरण कर दिया, पुजारियों को जला दिया, सनातन धर्म पर हमले कर दिया, आमागढ़ का झंडा फेंक दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि आप बड़े नेता कहे जाते हैं, राजस्थान के अंदर आपकी अलग पहचान है, एक चीज़ ये उठती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी आपने बड़े मतलब सड़क पे भी उठाया, मतलब और भी जगह उठाया, तो इसको लेके आपकी सरकार आ गई है, क्या रणनीति रहेगी पेपर लीक को लेके? क्योंकि रणनीति ये रहेगी, जो भी परीक्षा हो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक के जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके क्या रहे? उनको लेके ये रहा है, मछली तो पकड़ ली, मगरमच्छ बच गए। हमारा राज आने के बाद हम प्रयास करेंगे कि मगरमच्छ भी जेल के सीकचों में जाए। राज आपका आ चुका है? हाँ तो गया, लेकिन मुखिया आने के बाद। लेकिन एक सवाल और, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मुखिया आने के बाद, राजस्थान के अंदर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा लगातार बन रही है कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा, क्योंकि जनता ने अपना पूर्ण बहुमत दिया है, जनता चाहती थी कि बीजेपी की सरकार आए, लेकिन अब उसको अपना मुखिया चाहिए, कौन? हमारा मुखिया चेहरा कमल का फूल है, क्योंकि लगातार कई दिल्ली से लेकर ग्राम पंचायत तक कमल का फूल है। लेकिन कई आपका भी नाम चल रहा है, वसुंधरा जी का भी नाम है, कई और नाम बड़े तो मध्य प्रदेश में भी बहुत चल रहे थे, कौन बना? छत्तीसगढ़ में भी बहुत चल रहे थे, कौन बना? जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी ने तय किया वही तो बना, वही यहाँ बनेगा कल। लेकिन एक कांग्रेस है वो लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, वहीं पे सीएम कहाँ है? सीएम के चेहरे को लेके कल छत्तीसगढ़ में किया, आज मध्य प्रदेश में कर दिया, कल राजस्थान में कर देंगे, कहीं किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं है। और 2018 का सीन मेरे को पता है, जब हम बीजेपी से बाहर थे, हमारे 6 लोग जीत के आए थे जिसमें गोलमा और प्रसादी लाल भी थे, गहलोत साहब को 17 दिन लग गए मुखिया बनने में। लेकिन एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से गहलोत जी ने कहा है कि ये बीजेपी है वो अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, अभी तक इनका सीएम का चुनाव नहीं हुआ और ये अंदरूनी कलह इनकी साफ झलक रही है। इसमें अनुशासनहीनता की कोई बात है ही नहीं, मैं आपको स्पष्ट मना कर रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री की लाइन में नहीं हूँ। जो 6-7 नाम चल रहे हैं, किसी से पूछा वो यही कहेंगे कि जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। अब उससे हटके कोई बगावत कर रहा है तो नाम बताओ ना। विधायक दल की पहली बैठक कब? कल हो गई ना। कितने बजे तक? 1 बजे से चालू हो जाएगी। एक सवाल, लास्ट सवाल है सर, जिस तरीके से आपने युवाओं के मुद्दे उठाए, महिलाओं के मुद्दे उठाए, अभी जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्याकांड हुआ, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं, राजस्थान काफी शांत प्रदेश का। देखो, पिछले 5 साल में लॉलेसनेस रही, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी, पुलिस को पता लग गया पोल चलने वाली नहीं है, बीजेपी का राज आ चुका है, इसलिए गोगामेडी के हत्यारों को 4 दिन में ले आई, ये असर होता है। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर काफी पैसा मिला है एक कांग्रेस के नेता के यहाँ पे, और किसके यहाँ मिलेगा? 300 करोड़ और 354 करोड़ किसके यहाँ मिलेगा? इस देश को 60 साल तक कांग्रेस ने लूटा है, उन्हीं के मिलेगा, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। तो राजस्थान में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल होगी। राजस्थान का सीएम कौन होगा? कमल का फूल। ये थे किरोड़ीलाल मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो सीएम होगा वो कमल का फूल होगा, और जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सीएम का चेहरा है वो तय करेगा, और उसी के नाम के ऊपर मोहर लगेगी। जयपुर से निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।